दोस्तों माहेश्वरी रसोई में आज हम बनाएंगे किसी भी फेस्टिवल के लिए एक बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही क्रिस्पी कचौड़ी, जिसके लिए ना तो आपको आलू की ज़रूरत होगी, ना उड़द की दाल की ज़रूरत होगी, और फ्रेंड ना ही ये जो कचौड़ियाँ बनेंगी वो मसाले वाली बनेंगी, पर बहुत ही खस्ता है, बहुत ही अमेजिंग है। आप 8-10 दिन तो कचौड़ी रख कर खा सकते हैं, लेकिन जो मसाला तैयार करते हैं ना और फ्रीज़र में रखते हैं, तो आप महीनों इस मसाले को रख सकते हैं। रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और इस दिवाली हो या भाई दोज हो, एक बार आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की ये मजेदार कचौड़ी आलू या उड़द की दाल की नहीं है, कुछ नए तरीके की हैं। तो ये कचौड़ियाँ हैं मूंग की दाल की, और फ्रेंड्स मूंग की दाल की ये कचौड़ियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। दाल को मैंने करीब 2 घंटे के लिए भिगो दिया, दाल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब क्या किया है, मैंने एक भारी पैंदे की कढ़ाई ले ली है, और कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 गिलास जितना पानी, उसमें 1 पिंच जितना नमक डाल दिया, और 1 ही पिंच हम डाल देंगे इसमें हल्दी, और उसके बाद इस पानी को गैस के ऊपर रख दिया है जिससे ये अच्छे से उबल सके और जल्दी से उबल जाए, इसके लिए हम इसे कवर कर देंगे। तो चलिए, दाल में एक बढ़िया सा उबाल आ चुका है, और जो दाल हमने रखी थी उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने ड्रेन आउट कर दिया है, और अब ये भीगी हुई दाल हमने इसके अंदर डाल दी। और इसे आपको कवर करके नहीं पकाना है, पकाने में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। पहली बात, आपको इसे कवर नहीं करना है। दूसरी बात, आपको इसको 100% कुक नहीं करना है। 100% कुक करना होता तो हम इसे प्रेशर कुकर में भी कर सकते थे। इसमें एक हल्का सा दाना रहना चाहिए जो कि बाइट करते हुए बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए, इसे करीब 10 से 11 मिनट लगेंगे, और आप देखेंगे कि आपकी दाल हल्की हल्की सी पक जाएगी, हल्की हल्की सी खड़ी रह जाएगी। और ये देखिए, दाल जो हमारी थी परफेक्ट पक चुकी है। इसे मैश करते हैं तो मैश तो हो रही है, परंतु हल्का सा दाना रह जाता है। उसके बाद मैंने एक और मिक्सिंग बाउल लिया जिसके ऊपर चलनी रख दी, और चलनी में हम ये उबली हुई दाल डाल देंगे, क्योंकि इसमें जो पानी है इसकी इस रेसिपी में तो ज़रूरत नहीं है, वरना आप इससे आटा मार सकते हैं, और आप चाहें तो इसे सब्जी में भी डाल सकते हैं। तो बस ये सारी दाल मैंने चलनी पर कर ली है। फ्रेंड, इस स्टफिंग को आप बनाकर अगर रख लेते हैं तो ये बहुत दिन तक ख़राब नहीं होती, इसे लेकिन आपको फ्रीज़र में रखना होगा। और देखिए, दाल जो उबली है वो बहुत ही अच्छे से उबली है, काफ़ी खिली खिली सी दाल है, मैश हो रही है, हल्का सा दाना है। तो चलिए, इसे साइड से रख देते हैं, और अब हम लगाते हैं इसके लिए एक बढ़िया सा डो। उसके लिए मैंने 250 ग्राम जितनी मैदा ले लिया है। अगर कप से देखते हैं तो करीब 1.5 से 2 कप मैदा है। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया, और ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून जितनी अजवाइन। कचौड़ी वगैरह में अजवाइन का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है, तो बस ये अजवाइन गई। और उसके बाद मैंने डाला 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर। फ्रेंड्स, अगर आप सोडा यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे 1/4 टीस्पून जितना डालें, क्योंकि उसका जो रिएक्शन होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है। और बस इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, और उसके बाद मैंने लिया है 50 ग्राम जितना देसी घी। 250 ग्राम मैदे के लिए 50 ग्राम देसी घी एकदम सफिशियंट है। अगर आपको और ज़्यादा कुरकुरी कचौड़ी खानी है तो आप थोड़ा सा घी और कम कर सकते हैं। और इसे 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब आप देखिए बहुत ही अच्छे से बाइंड हो रहा है, जैसे कि नॉर्मली हम लड्डू बनाते हैं ना, या ब्रेड क्रम जैसा इसका काफ़ी कुछ टेक्सचर लग रहा है। उसके बाद पारी है इसका डो लगाने की, और डो लगाने के लिए आपको ना तो ठंडा पानी लेना है, ना गर्म पानी लेना है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर जो टंकी में पानी होता है ना, उसी पानी का इस्तेमाल करना है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप इसका डो लगाएं। फ्रेंड्स, एक तो मैदा है, ऊपर से हमने इसमें मोयन डाला है, इसलिए इसमें पानी बहुत ही कम लगेगा। और ये देखिए, एकदम ऐसे बिखरा बिखरा सा हमारा डो लगकर तैयार हो गया है। बस इससे ज़्यादा आपको इस समय नहीं मसलना है, कवर करके साइड से रख दें, और फिर से गैस ऑन करिए, उसके ऊपर कढ़ाई रख दी, और उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना सरसों का तेल। अगर आपको सरसों का तेल पसंद है ना तो आप सरसों का तेल ही डालें, वरना कोई भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। और तेल बढ़िया सा गर्म हुआ, उसके अंदर डाल दिया 1/2 टीस्पून जितना जीरा, और ये मैंने लिया थोड़ी सी जावित्री, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। 1 पिंच जितनी हींग डाल देते हैं, और हींग के साथ ही मैंने ले लिया है 1 पिंच जितना हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी हम ऑलरेडी पहले भी डाल चुके हैं। और बस उसके बाद ये मैंने डाल दिया है 3 टेबल स्पून जितना बेसन। फ्रेंड, बेसन को स्किप ना करें। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते तो आप एक काम और कर सकते हैं,
इसमें थोड़ी सी 2 से 3 टेबलस्पून जितनी चने की दाल, जिस समय हमने दाल भिगोई थी उसी समय डाल दें, क्योंकि इसमें ये जो चने की दाल का फ्लेवर आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। और उसके बाद मैंने ले ली 1 टेबलस्पून जितनी दरदरी सौंफ, 1 टेबलस्पून जितना सूखा धनिया पाउडर, और ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून जितना होल धनिया जिसे हल्का दरदरा कर लिया है, 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला, और ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून जितना लाल मिर्च का पाउडर, और ये गया 1/2 टीस्पून जितना नमक। और नमक डालते हुए ध्यान रखिए हमने पहले भी नमक डाला था, डो में भी नमक डाला है। और उसके बाद हम इसमें एक और स्पेशल चीज़ डालेंगे, लेकिन उससे पहले डाल दीजिए थोड़ी सी कसूरी मेथी जिसे हाथ से क्रश कर लेंगे। और उस स्पेशल चीज़ में है ये चीनी, और ये बिल्कुल उतनी है जितनी आपने नमक लिया है, और ये थोड़ी सी चीनी आपकी जो कचौड़ियाँ बनेंगी ना उसके टेस्ट को ऐसा बैलेंस कर देगी कि आपने इस तरीके से कभी कचौड़ियाँ नहीं ट्राई करी होंगी। इतनी थोड़ी सी चीनी कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं करेगी, लेकिन आप इसे एक बार डाल के देखिए बहुत ही बढ़िया आपको टेस्ट लगेगा। और अब डाल दीजिए मूंग की दाल, और इसके बाद बारी है इसे बढ़िया सा मिक्स करने की। इसको आप करीब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूने। अगर आप इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो ये काम आपको ज़रूर करना होगा, वरना ये कचौड़ियाँ थोड़ा सा जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और उसके बाद मैंने डाल दिया किचन किंग पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा कलर बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्चें हैं जिससे कलर बहुत ही शानदार आएगा, और ये गया हरा धनिया। और अब आ रही है इसे बढ़िया सा भूनने की। फ्रेंड्स इसे आप जब तक भूनेंगे थोड़ा बिखरा बिखरा सा हो जाए, इससे इन कचौड़ियों की सेल्फ लाइफ इतनी हो जाएगी कि ये 8 दिन ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए हमारी स्टफिंग भूनकर तैयार हुई, ठंडी होने रख दी, और ये ले लिया डो। पहले तो हमने डो को नहीं मसला था, अब डो को बढ़िया सा मसल लेते हैं। मसलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं लगाना है, बस इस तरीके से हल्का हल्का सा घुमाइए, ये आपस में बढ़िया सा बाइंड हो जाएगा। और अब हम इसके तोड़ेंगे डो बॉल यानी कि कचौड़ी के लिए पेड़ियाँ। जितनी भी बड़ी आपको कचौड़ी बनानी हो आप उसी हिसाब से इसकी पेड़ियाँ तोड़ सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा छोटे या बहुत बड़े साइज़ की कचौड़ियाँ अच्छी नहीं लगती। इधर जो स्टफिंग थी ये देख सकते हैं बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, वैसे तो बिल्कुल बिखरी बिखरी है, और अगर इस तरीके से बाइंड करते हैं तो ईजीली बाइंड हो रही है। तो बस अब हम इस तरीके से इसकी भी डो बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स अब ये जो स्टफिंग बच गई है इसका क्या करना है, इसे आप फ्रीज़र में रख दीजिए एयरटाइट कंटेनर में करके, और ये 1 महीना ख़राब नहीं होती है, जब कभी बनाना हो आप बना सकते हैं। और अब बारी है इसको स्टफ़ करने की, उसके लिए बस एक डो बॉल लिया इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा लिया और उसमें रखी स्टफिंग, और थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए आप इसे इस तरीके से सिक्योर कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स कचौड़ी बनाने का जो मेन कई बार दिक्कत होती है वो यही हो जाती है, और उसके बाद कचौड़ियाँ फट जाती हैं। ऊपर का अगर पोर्शन थोड़ा सा निकाल देते हैं तो कचौड़ियाँ अच्छे से बनकर तैयार होती हैं। और उसके बाद हथेली का ये वाला हिस्सा लीजिए, इस तरीके से प्रेस कीजिए, और अगर आप हाथ से करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं, फ्लैट सरफेस पे रखें, पहले हथेली से थोड़ा सा बीच में प्रेस कर दें और साइडों को इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर दें। लीजिए एक और कचौड़ी बनकर तैयार हो गई, और ये हमारी कुछ कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब बारी है इन्हें सेकने की। सेकने का जो प्रोसेस है हम वो बिल्कुल हलवाई वाला करेंगे, या आप समझ सकते हैं एकदम मार्केट वाला करेंगे। उससे कचौड़ियाँ उतनी ही खस्ता बनेंगी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, या मैं आपको लास्ट में भी दिखाऊंगी। तो बस एक एक करके हम कचौड़ियाँ डाल देंगे। फ्रेंड्स नॉर्मली क्या कहते हैं, जितनी कचौड़ियाँ आराम से आ सके उतनी कचौड़ियाँ आपको डालनी है, लेकिन इसमें मैं कहूँगी कि जितनी कचौड़ियाँ इसमें आ सके आप उतनी डाल दीजिए, क्योंकि अब हम इन्हें सेकेंगे करीब 15 से 20 मिनट, और अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपके पास समय है तो आप इन्हें 25 मिनट भी सेक सकते हैं। तो बस उसके लिए आपको फ्लेम पर ज़रूर ध्यान रखना होगा। और ये देखिए कचौड़ियाँ जैसे ही ऊपर को फ्लोट करने लगे आप इसे टर्न ना करें, फ्लेम को एकदम स्लो रखें, उतना भी नहीं जितना बालूशाही के लिए रखते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा बढ़ा कर रखें और ऑयल को ऊपर डालते जाएँ। और आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में काफ़ी सारी कचौड़ियाँ डाल दी हैं, और इससे ज़्यादा तो आ भी नहीं सकती थी। जब कचौड़ियाँ इस तरह से फूलने लगे आप उन्हें इस तरीके से फ्लिप करते जाएं। फ्रेंड्स ये कचौड़ियाँ देखने में जितनी शानदार लग रही है ना, मैं सही बता रही हूँ खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। इसके लिए आपको किसी सब्जी की, रायते की, चटनी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कचौड़ी उठाएं आराम से खा लें। पर हाँ ये मीठी जो चटनी होती है ना खजूर वाली, उससे तो बहुत ही बढ़िया लगती है।
तो बस उलट पलट कर हम कचौड़ियों को करीब 20 मिनट तक सेकेंगे और 20 मिनट में आप देखेंगे कचौड़ियाँ बहुत ही बढ़िया सेक कर तैयार हो जाएंगी। जब फ्रेंड्स इतनी देर सेकेंगे तो ये करारी तो होनी ही होनी है, तो बस यही इसका एक मेन राज है कि कचौड़ियाँ इतनी करारी बनकर तैयार हुई हैं। छोटी छोटी सी बातें होती हैं अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी कचौड़ियाँ जो नॉर्मल कचौड़ियाँ बनाती हैं उनसे काफ़ी अलग बनकर तैयार होंगी। और ये देखिए मैंने इसे 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर सेका है और आप इनका कलर देखिए बहुत ही शानदार आ चुका है। तो प्लेटिंग कर लेते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स एकदम शानदार कचौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। सर्व करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही प्लेन खाइए, एकदम खस्ते जैसे इनका टेस्ट होता है। और ये देखिए एकदम फूली फूली है और इन्होंने ऑयल को बहुत ही कम एब्जॉर्ब किया है, आप देख सकते हैं कि कोई ऑयल नहीं आ रहा है। तो चलिए एक टिश्यू टेस्ट भी कर लेते हैं, है ना एकदम परफेक्ट कुछ नए तरीके की कचौड़ी। और ये देखिए ब्रेक कर रहे हैं तो इजीली ब्रेक भी नहीं हो रही है, काफ़ी क्रंची सी बनकर तैयार हुई है इन कचौड़ियों को। जिस तरीके से मैंने सेका है स्टफिंग बनाइए, अगर ऐसे बनाते हैं तो आप इन्हें 15 दिन भी रखकर खाएंगे ना तो एज इट इज रहेंगे। और देखिए क्या बढ़िया सी आवाज़ है, ऐसे नहीं है एक दो कचौड़ी करारी हैं, कुछ ऐसे ढीली सी हैं, ले सारी कचौड़ियाँ इतनी करारी सीख कर तैयार हुई हैं। तो चलिए मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है, अब मैं इसे कर लेती हूँ टेस्ट, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कचौड़ियाँ लग रही हैं, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है क्योंकि हमने मसाले शानदार डाले हैं। उम्मीद है दोस्तों ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी, हेल्पफुल भी रहेगी, इसलिए अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, अगर पसंद आई है तो शेयर कर दें। थैंक यू।